ओ भाई साहब, वेलकम बैक। गदर 240 डेज वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आ चुकी है। जी हाँ, अभी ये जो आया है ये प्रिडिक्शन है। मैं आपको बता दूँ, फिलहाल तक 680 करोड़ जो मैंने आपसे कहा था वो क्रॉस हो चुका है। तो क्या कुछ नंबर आता हुआ लग रहा है प्रिडिक्शन में 40 डेज का, वो सब बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल पर जाइएगा सब्सक्राइब। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ गदर के साथ क्या कुछ हो रहा है ना, जो नंबर्स अपडेट होकर आते हैं उसमें टाइम ज़रूर लग रहा है, क्योंकि 40 डेज हो चुके हैं जब हम ट्रैकिंग कर रहे होते हैं फिल्म का। तो जब इतना लंबा जर्नी जाती है तो डेली अपडेट्स भी आनी कम हो जाती है। आपको याद है मैंने एक वीडियो भी बताया था कि गदर की अपडेट्स आनी अब धीरे धीरे कम हो रही है, या लेट आती हैं, या काफी देर में हमको दिखाई देती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कलेक्शन नहीं हो रही है। तो मेरे हिसाब से ये जो वीडियो है ये प्रिडिक्शन वाला वीडियो है, इसमें मैं आपको वर्ल्ड वाइड प्रिडिक्शन बताने वाली हूँ। माइंड यू, प्रिडिक्शन है। अगर ड्यूरिंग द डे फाइनल या ऑफिशियल नंबर शेयर होता है तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी एक अलग वीडियो में, लेकिन ये जो प्रिडिक्शन है ये करनी ज़रूरी है। 40 दिन हो चुके हैं यार, 40 डेज का कार्निवल जो है चल रहा है, फेस्टिवल चल रहा है, तो कैसे नहीं हम 680 करोड़ के आगे की बात करेंगे। 700 करोड़ का आप तो सोचकर बैठे हुए हैं कि 700 करोड़ आना ही आना है। तो 40 डेज की इंडिया नेट कलेक्शन मैंने आपको बताई, करीब करीब 520.8 करोड़ हो चुकी है। इसी के साथ अगर मैं इसको ग्रॉस में कन्वर्ट, ग्रॉस की बात करती हूँ, तो ग्रॉस 39 डेज था 614 करोड़, 614 करोड़। अब अगर मैं इसको 40 डेज का ग्रॉस बताऊंगी तो करीब करीब 625 करोड़ तक आना चाहिए, 625 नहीं तो 620 करोड़, चलिए 625 नहीं 620 करोड़ मैं बोलूँगी इसको। ओवरसीज से अभी नंबर ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि ओवरसीज़ मार्केट में ऑलरेडी और कई फिल्में हैं जो चल रही हैं, और गदर ओवरसीज़ से में काफ़ी दिनों से चल ही रही है। तो 65.5 करोड़ का नंबर ओवरसीज़ से रहने वाला है। प्लस पॉइंट में अगर आया थोड़ा बहुत चेंज तो आएगा, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो मुझे लगता है अब 686 या 687 करोड़ के आसपास जो है आती हुई मुझे लग रही है। हो सकता है 690 करोड़ भी हो चुका होगा वर्ल्ड वाइड में। दिस इज़ वॉट आई बिलीव गदर 2 कर चुकी है। और कहीं कहीं पर जो अंडर रिपोर्टेड नंबर आ रहा है उसके हिसाब से मुझे लगता है 690 करोड़ बोलना बिल्कुल जायज़ है। आगे चल के और क्या नंबर आता है, अभी तो जैसे मैंने कहा वीकेंड बाकी है, 700 करोड़ फिर तो आ गया समझो, 700 करोड़ इस वीकेंड से पहले पहले आ जाएगा, इस वीकेंड से पहले पहले 700 करोड़ का नंबर गदर 2 लेकर आ जाएगी, ऐसी मेरी प्रिडिक्शन है। और जो आप देखते ही आ रहे हो कि जो कुछ भी प्रिडिक्शन मेरी चल रही है, चाहे वो लाइफ टाइम को लेकर हो या कुछ भी हो, वो हमेशा सही ही बैठ रही है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से इतना तो गदर 2 कर चुकी है, 700 करोड़ लाइफ टाइम नहीं, अब 700 करोड़ प्लस लाइफ टाइम करने जा रही है गदर 2। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी बात है। एक फिल्म जो धीरे 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 करती हुई 40वें दिन पर 700 करोड़ को टच कर रही है, 700 करोड़ के आसपास पहुंच रही है, और 40 दिन नहीं तो 43 दिन में, 44 दिन में 700 करोड़ प्लस कर जाने वाली है फॉर श्योर, 100%। सो अब मामला क्रूशल होने जा रहा है। थोड़ा सीरियस वाली बात एक बताने वाली हूँ, वो ये कि अब आने वाले हफ्ते में फ्राइडे से फिल्में और रिलीज़ हो रही हैं। हमको पता है YRF की एक फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो इसके चलते अब गदर के स्क्रीन काउंट्स के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। अगर अभी भी ये कलेक्शन इसी तरीके से सॉलिड तरीके से चलती रही, पब्लिक का ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहा, अभी भी लोग सिंगल स्क्रीन्स में जाके देखते रहे, तब कोई डरने की बात नहीं है, तब ये इसको स्क्रीन्स जो हैं इससे नहीं हटेंगी। लेकिन अगर कहीं ऐसा हुआ कि कलेक्शंस में ड्रॉप आ गया मेजर, आज का दिन बहुत बहुत ज़रूरी है, अगर आज मेजर ड्रॉप आ गया ना गदर 2 के कलेक्शंस में, तो स्क्रीन काउंट्स पर खतरा हो जाएगा। यस गाइस, और ये मैं सिर्फ गदर के लिए नहीं कह रही हूँ, ये मैं जो जवान भी अगर लगी हुई है, जवान की भी स्क्रीन काउंट स्लैश डाउन होंगी होंगी, 100% होंगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो फिल्म YRF की, चाहे वो कैसी भी फिल्म हो, जो भी हो, लेकिन स्क्रीन्स तो दी जाएंगी ना, मतलब बिजनेस वाइज अगर आप सोचोगे तो स्क्रीन्स तो उसको मिलेंगी। उसके बाद जो भी उसका रिपोर्ट आएगी वो पता चलेगी, रिव्यू पता चलेगा, लेकिन फिलहाल स्क्रीन्स के लिए गदर 2 के ऊपर आज के दिन बहुत क्रूशियल दिन है आज, क्योंकि आज से ट्रेंड पता लग जाएगा। अगर आज के दिन ड्रॉप आ गया तो मतलब कल परसों भी ड्रॉप आएगा, और ड्रॉप आ गया तो स्क्रीन काउंट्स में कम हो जाएंगी स्क्रीन्स। सो लेट्स होप कि ऐसा कुछ ना हो, लेट्स होप कि जितने भी फैंस हैं वो जाएं जाकर अभी भी गदर 2 देखें। अगर हम चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि वो जो पठान का रिकॉर्ड है वो ब्रेक हो और अभी भी गदर लगी रहे स्क्रीन्स पे, तो आज जाइए, आज मौका है, आज कल परसों मौका है, और गदर 2 को फिर से उतना ही सपोर्ट कीजिए ताकि इसी तरीके से ही आगे चलती रहे। क्या लग रहा है आपको, आप आज जाने वाले हैं नहीं, मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी फिर लाइक दिस वीडियो, गिव इट थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोर फंक्शन।